मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जिंदगी के जाल में बुरी तरह से उलझ गए हैं आप, या अपनों ने आपको बहुत परेशान किया है, दुखी किया है, अथवा निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं आप किसी भी कारण से, तो मेरे वीडियोस देखिए। इन वीडियोस में आपको जीवन का सार तत्व और अर्थ मिलेगा। ढूंढते रह जाओगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हां बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स, परेशानियां क्या मजेदार चीज है यार, हैं? हां या ना? कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी लड़ने की शक्तियां देती हैं। और जब तक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती ना, तब तक इंसान केवल सुख भोग का आदि हो जाता है। कहते हैं ना कि जब तक सोने को भट्टी में तपाया नहीं जाता, उस पर चमक नहीं आती। कहते हैं जब तक हमें तेज प्यास नहीं लगती, तब तक पानी मीठा नहीं लगता। जितनी प्यास अधिक तेज होती है, पानी उतना ही अधिक मीठा होता है। जिसके जीवन में परेशानियां प्रवेश करती हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, वो उतना ही मजबूत बनता है, उतना ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनता है। इसलिए परेशानियों से कभी भी घर भर घबराना नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार रहना और अपने आप को रखना। ह्यूमन नेचर है ऐसा कि वो परेशानियों में अक्सर परेशान हो जाया करता है, लेकिन कभी भी परेशान इंसान जीवन में कुछ कर नहीं सकता। यदि वो परेशानियों के सामने डट करके खड़ा होता है, तो फिर वो दशरथ मांझी की तरह पर्वते काट दिया करता है अकेला ही। इस जीवन में एक समय ऐसा होता है जब पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम्स नाम की भी कोई चीज है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 10 12 साल की उम्र तक परेशानियों का कुछ पता ही नहीं होता। भूख लगी तो रो दिए, प्यास लगी तो रो दिए, दूध मिल गया, खाना मिल गया, कहां से आया पता नहीं, किसने दिया ध्यान ही नहीं रखते, बस मिल जाता है और मस्त अपने आप में। परेशानियों का नाम निशान ही पता नहीं। मां बाप ने कहां से व्यवस्था की, किस तरह से उसे उपलब्ध कराया, हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा दौर जो 60 की उम्र के बाद शुरू होता है, जिम्मेदारियां तो लगभग समाप्त हो जाती हैं उस उम्र में जाकर के, लेकिन परेशानियां कम नहीं होती। कहां होती है परेशानियां? शरीर में तमाम रोग लग जाते हैं, दिमाग में हर समय सोचता रहता है लेकिन करने लायक नहीं होता, तो वो दौर भी निकल चुका होता है। परेशानी को सॉल्व करने की उस समय शरीर में ताकत नहीं होती, हालांकि दिमाग बहुत कुछ सोचता है, लेकिन असमर्थ हो जाता है शरीर की तरफ से, और मौत की तरफ उसके कदम फैले हुए होते हैं पैर। कब आए मौत और उठा करके यहां से ले जाए शरीर से निकाल करके आत्मा को। लेकिन 20 से 60 के बीच का वो पीरियड, वो समय जो 20 की उम्र से 60 की उम्र के बीच का होता है, वो तमाम परेशानियां धीरे धीरे आती हैं और कभी कभी इकट्ठी होकर के आ जाती हैं। पढ़ाई का बोझ, तमाम टेंशन पढ़ाई की, और उसके बाद में पढ़ाई यदि जब पूरी हुई तो फिर रोजगार, क्या करूं क्या ना करूं, नौकरी करूं, दुकान करूं, कोई बिजनेस करूं, या मेहनत मजदूरी करूं, या कुछ और अलग तरह का काम करूं। यही सोच सोच इंसान को परेशान कर देती है। विदेश में जाऊं कुछ काम करने, या देश के अंदर ही कुछ ऐसा रोजगार पैदा कर लूं जिससे अच्छी तरह से परिवार चले, किसी तरह से एडजस्टमेंट करके, किसी तरह से अरेंजमेंट करके, किसी तरह से मेहनत करके एक रोजगार भी क्रिएट कर लिया, पैदा कर लिया, उसे करने लगा। फिर शादियां हो जाती हैं, शादी होने के बाद फिर तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम दिक्कतें, बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई, अभी घर में बीमारी आ गई, उससे जूझना, किसी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही उससे परेशान हो जाना, अपने खुद के शरीर में कभी कभी रोग आ जाता है तो उससे परेशान हो जाना, ये फैमिलीज प्रॉब्लम्स, ये इंसान की व्यक्तिगत प्रॉब्लम, प्राइवेट प्रॉब्लम्स, पर्सनली प्रॉब्लम्स, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, स्टेटस मेंटेन रखने की प्रॉब्लम्स,
दूसरे के पास कार है, मेरे पास कार नहीं, ये प्रॉब्लम। दूसरे के पास बड़ा साइज का फ्रिज है, मेरे पास छोटा फ्रिज है, ये प्रॉब्लम। उसके पास एलईडी है, मेरे कमरे में तो एसी नहीं लगा। तमाम प्रॉब्लम कहां से कहां इंसान को ये प्रॉब्लम्स घेर करके रख लेती हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए वो जूझता है, परेशान होता है, दिन रात मेहनत करता है। कितने समय के लिए? 40 साल, 20 से 60 के बीच का समय, 40 साल। इस 40 साल के लिए कितना कुछ करता है, कितना कुछ करता है, अपने आप को तोड़ देता है, दिन रात एक कर देता है, दिन रात, सवेरे को भी चिंता, शाम को भी चिंता, दिन में भी चिंता, रात को भी चिंता, चारपाई पर लेटता है, बेड पर लेटता है तो नींद नहीं आती, इतनी टेंशन इन 40 सालों के लिए। 60 के बाद कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ भी होगा इन्हीं 40 सालों में। 20 से पहले कुछ नहीं, आराम से स्टूडेंट लाइफ, आनंद में जीवन जिया, और 60 के बाद में चिंता में जीवन जिया, लेकिन टेंशन तो यहां है, उस समय कुछ कर नहीं सकता। इस 40 सालों में उसके शरीर में कुछ है, जज्बा है, जोश है, जुनून है करने का, और कर रहा है। लेकिन इन परेशानियों को बढ़ाने में हमारा खुद का योगदान भी कुछ कम तो नहीं होता? कई प्रॉब्लम्स तो हम स्वयं ही क्रिएट कर लेते हैं, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके अपनी प्रॉब्लम खुद ही बढ़ाते हैं। अरे, हो सकता है कि कई परेशानियां ऐसी हों, कई टेंशन, कई चिंताएं ऐसी हों जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, हम तो फिर क्या करें? परिवार में डिस्कस करते हैं, वाइफ से डिस्कस करते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई समाधान नहीं मिलता, तो फिर क्या करें? ऐसे के लिए तलाश करें अपने अच्छे मित्रों की, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपको अच्छी सलाह दी हो, आपको योगदान दिया हो, उनके पास जाएं। सलूशन नहीं मिलता कई बार, वहां पर जाकर भी वो भी अपनी प्रॉब्लम्स में इस तरह से फंस गए हैं कि आपकी समस्या सॉल्व करने का उनको तरीका ही नहीं सुझाई देता। उसके लिए फिर क्या है? फिर गुरु, गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जे विरंच शंकर सम होई। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। भवनिधि तरने की बात छोड़िए, ये निजी जीवन जो भी भव बना रखा है, जो सागर निजी जीवन को भी बना रखा है, इसमें भी जो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होती, उनके लिए गुरु की शरण में जाएं, विनम्र निवेदन करके गुरु से समाधान प्राप्त करें। और कनफू का गुरु बहुत जगत में, फांसी डार फंसा में, ऐसे गुरु बहुत हैं जो आपकी समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे, तरीके बताएंगे उल्टे सीधे, आप उन तरीकों को करेंगे फिर भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी, आप वैसे की वैसे रहेंगे, क्योंकि समाधान, पूर्ण समाधान तो आपको पूरा गुरु ही दे सकता है। कि कहत कबीर, गुरु वो पूरा जो तेरा बिछड़ा हंस मिलावे, जो आपको आपके मूल से मिलाता है वो आपका गुरु पूरा है, वो आपकी प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन आपको देगा। लेकिन ऐसे गुरु को खोजना बहुत ही मुश्किल है, यदि आपको तलाश है तो मैं बताऊंगा आपको ऐसे गुरु के बारे में। हम बात कर रहे थे परमात्मा के पास जाइए, फिर यदि गुरु भी नहीं मिला है, मित्र से भी समाधान नहीं मिला, घर के अंदर भी आपसे आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं होती, तो फिर आप परमात्मा के पास जाइए। कहां? किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, या किसी और दूर किसी धार्मिक स्थल पर? नो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह मौजूद है। आप यहीं अपने सामने ही परमात्मा से अपनी समस्या का सॉल्यूशन करा सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं, उसे सॉल्यूशन ले सकते हैं परमात्मा से, कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। नदी की धारा में लकड़ी के दो गुटके वहे चले जा रहे हैं, नदी की धारा में दो गुटके वहे चले जा रहे हैं, एक सोच रहा है कि मैं नदी की धारा पर सवार हूं, मैं नदी की धारा में चला जा रहा हूं, नदी के ऊपर मैं सवार हूं, अहंकार में जी रहा है, अहम में जी रहा है, ईगो में जी रहा है, और एक ने अपने आप को पूरी तरह से नदी की धारा के बहाव में छोड़ दिया है बिल्कुल। अब नदी की धारा जहां भी उसे ले जाए, अच्छे में ले जाए, बुरे में ले जाए, पूरी तरह से नदी की धारा के ऊपर अब वो आनंद में है,
उसने अपने जीवन की डोर, उस लकड़ी के गुटके ने अपने जीवन की डोर पूरी तरह से नदी की धारा के अधीन कर दी है, उसके हवाले कर दिया है अपने आप को। अब वो मस्ती में है, आनंद ले रहा है, उछलने का, कूदने का, बहने का, हर प्रकार से आनंद ले रहा है। हम कौन सी अवस्था में जी रहे हैं कि नदी के ऊपर सवार हैं? हम किस अवस्था में जी रहे हैं कि ये जीवन परमात्मा ने जो हमें दिया है हमारी मर्जी से मिला है? नो, परमात्मा ने खुद कृपा करके हमें इंसान का जीवन जिया है, तो अपने जीवन की दौर को, अपने जीवन को परमात्मा रूपी नदी के हवाले कर दें, पूरी तरह से आपका जीवन सुखी हो जाएगा, ये मेरा वायदा है। तो परमात्मा से आप बात कैसे करें, इसका भी एक तरीका है, वो फिर कभी किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। यदि आप कमेंट करके उस तरीके को पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर आपको ये चीज बताने का प्रयास करूंगा, सदगुरु माता जी की कृपा से। तो बख्शिश करो, आज के वीडियो में इतना ही, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद।